अच्छा चांद भाई देखें, हमें वो नज़र नहीं आ रहे, कुछ भी नहीं सामने नज़र आ रहा। वो रूम जो है ना मेरे गाड़ी ख्याल से किधर ज़्यादा है? दूर नहीं, गाड़ियाँ सामने ही है। गाड़ी भी नहीं नज़र आ रही। और इतनी धुंध के अंदर आपको ये कोई भी मखलूक, कोई भी जो है ऐसी जो है चीज़ आपको नज़र भी आए तो बहुत मुश्किल हो जाता है रिकॉर्ड करना भी, कि आंखों से फिर भी थोड़ा सा क्लियर नज़र आ रहा है। कैमरे के अंदर जो है बिल्कुल जो अंधेरा ही है। अभी ये सब एक आवाज ही है, वो ऊपर क्या है, कोई परिंदा था शायद। क्या हुआ यार चांद भाई, सर बचाकर, और सर के अलावा भी जितनी ठंड है ना, कहीं लग गया ना पत्थर ये। यार ये जैसे गोली की रफ्तार नहीं होती, इतनी स्पीड से ये चीज़ आ गई। ये पत्थर आया है ये वाला है यार, ये चांद भाई वो रूम था जो अच्छा, ये याद वाला है, है जिसके अंदर ना वो आप कह सकते हो कि जो जादूगर था वो चिल्ला काटा करता था, और उसने जिस बच्चे के ऊपर जादू किया हुआ था ना, वो भी इसी रूम के अंदर ही जो है, वो कुछ कपड़े थे दीवार के ऊपर लगाए गए और कुछ अगरबत्तियाँ थी, मोमबत्तियाँ थी। बिल्कुल क्लियर, मुझे ऐसी आवाज आई जैसे कोई कदमों से। अच्छा पीछे सारा ओपन एरिया है, कोई भी आए जाए कोई पूछने वाला नहीं है। इसको देखें तो खोल कर, ओए 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 ला, ओए ओए दरवाजा तो फिर लगी तो उल्टा नहीं? यार, ये मेरे पैंट के साथ टच होकर गया बच गया। उस चीज के असरात आप कह रहे हो ना खत्म हो चुके हैं, नहीं मुझे लग रहा है कि है अभी भी इधर। है। असरात चांद भाई, असरात कहाँ से खत्म हुए हैं? आपको बोल रहा है कि उस जादूगर को इन्होंने पकड़वा दिया था, तो उनका मानना था कि असरात खत्म हो गए होंगे, ये मुझे फिर लेकिन लगता है जब से वो चीज़ें उन्होंने हाँ उनको निकाली है जो ना। वो चीज़ें मिली हैं ना, उसके बाद जो है ये मामला दोबारा शुरू हुए। असरात तो इनको लगता था कि ख़त्म हो चुके हैं, पर ख़त्म नहीं हुए थे, क्योंकि जैसे वो बता रहे हैं ना हालत उस लड़के की जिसने उस शॉपर को खोला है, और खोलते ही उसने समझा कि कोई हमारी पुरानी कोई चीज़ें हो सकती हैं जो इसके अंदर हों, तो उसने जैसे ही उनको जो है वो छुआ है तो उसके अंदर कोई चीज़ आई है, और कहते हैं कि वो चीखे मारना चिल्लाना शुरू हो गया, और जो साथ वाले लोग थे उनको काटना शुरू हो गया और मारने के लिए जो है वो पीछे भागा। ये आवाज़ आ रही है। और सभी नॉर्मली किसी को ब्लड वॉमिटिंग हो ना तो वो बंदा ख़त्म हो जाता है। ऐसे ही उनका बताना है कि वो दिन के अंदर पता नहीं कितनी दफ़ा उसको जो है वो ब्लड की खून की उल्टी उल्टियाँ मार आती रही हैं। थी, ऐसे ही है। यार इसने जान निकाल दी मेरी। अभी ध्यान से ये देखिए कि अभी इनके इस्तेमाल में है। जब मैं यहाँ पर आया था पहले, तब ये बिल्कुल खाली होते थे रूम जितने। यहाँ जिधर आप चांद भाई खड़े हो ना, शायद आपको नज़र आ रहा हो, सामने दीवार की तरफ देखना है आपने। वो नहीं, इधर जिधर मैं हूँ अच्छा इधर से देखें आप, इस साइड ये डोर 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 हिल रहा है।
लग रहा है या मुझे लग रहा है? पता नहीं, हल्की सी लगता है, वाइब्रेशन है उसमें। इधर होके देखिएगा, इधर खड़े होकर। ओए ये क्या है यार? आ कहाँ से रहे ओ हैं यार भाई, ये? उसको छोड़ें, ये तो जैसे कोई हाथ में पकड़कर कोई चीज फिर रही है। पहले ऐसे मारा है, उस चीज ने दोबारा जो है उस रोड के अंदर मारा है, एक ही पत्थर। जैसे हाथ में पकड़ कर बंदा मारता है ना, इधर फिर उधर, ऐसे हुआ है। पहले इस डोर में लगा है और दोबारा उस रूम उस डोर के अंदर जाकर लगा है। अभी असल में इस दरवाजे के आप बिल्कुल हदूद में हो, तो ये मामला वो तो हो रहे। देखे अंदर सभी कुछ वैसे ही है, ध्यान से। और इसके बारे में भी वो चल रही, सामने हाँ इसके बारे में बताता हूँ कि अभी तक ये क्यों है यहाँ पर और ये सब कुछ ख़त्म क्यों नहीं हुआ है, इसके बारे में भी जो उन्होंने बताया है। क्योंकि जो भी बातें होती हैं, हर चीज़ को देखते हुए हर चीज़ का जो है वो एक टाइम पर बताते हैं, फिर जाकर आप दोस्तों को भी समझ आती है। शुरू में बता दें तो फिर जो है काफ़ी सारे दोस्त स्किप कर देते हैं तो समझ नहीं आती। अभी इसके बारे में बताता हूँ कि तो ये कहाँ से आ रहे हैं यार, कुछ समझ नहीं आ पता रही। नहीं आ रही वो किधर ऊपर से भी लगा है, आ वो रहे। देखे वो इधर। तावीज़ वो जो भी कुछ था वैसे। ये अस्तग़फ़िरुल्लाह, इधर क्या करूं यार, आगे तो धुंध वही है, मैं कुछ कह रहा हूं कि नजर ही इसीलिए नहीं कुछ। मैंने आपको बोला था कि हमारे लिए काफ़ी ख़तरनाक होगा ये जो अभी स्मोक पड़ना शुरू हो गई है, क्योंकि हमें तो नज़र ही नहीं आ रहा कहां से कोई पत्थर आ रहा है कहीं से। ये पीछे पीछे ये क्या चीज़ है? अच्छा दरख्त है, दरख्त है, वो लाइट पड़ी ऐसे जैसे कोई चीज़ खड़ी है सामने। हमें जो है वो कुछ समझ नहीं आ रहा, इस वजह से मैं कह रहा था कि ये उधर ये तो बिल्कुल जैसे कर उधर भी है कुछ है? इस साइड पे भी था, इधर भी कोई आवाज आई है। ये पत्थर लग क्यों रहे हैं, कोई खोलने की कोशिश तो नहीं कर रहे इनको? चलो जाइएगा, चले लेकिन ध्यान से। ध्यान से ध्यान से। ओए 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 अस्तग़फ़िरुल्लाह, बाहर से जी। दिखाना। ये ओए रिकॉर्ड हुआ सब? रिकॉर्ड इधर ही है, इधर ही कैमरा। अस्तग़फ़िरुल्लाह यार, और ये यार इस रूम में तो बहुत ज्यादा मामला स्टार्ट हो गया। अच्छा वो सामने तावीज भी बना हुआ है अभी।
यही तो मैं आपको बता रहा था कि इसको जो है वो मिटा वही बंदा सकता है जिसने बनाया है, वो बता रहे थे। मतलब यहाँ पर बहुत अल्लाह अकबर यार, ये पूरे के पूरा ऊपर को पीछे पीछे यार, ये बाहर से हो ही नहीं सकती विंडो, कोई ये इधर को जाके लग रही है आपस में, ऐसे बंद ही है। दरवाजा, दरवाजा देखो यार, रहे ना आपको कि इस पास में रूम है में कुछ, कोई है। ये नीचे आग क्या लगी हुई है, कुछ लग गया बनाया हुआ है कि आग लगी हुई है, ऐसे लग रहा है जैसे जला हो नीचे से उतरा है। ये चांद भाई यहाँ पर जो है ना, ये कह लें कि बच्चे के ना जो है वो कपड़े लगाए हुए थे, ये नजर आ रहा है, हाँ ये उसका सर था और ये कपड़े थे, और इधर जो है वो मोमबत्तियां जलाई हुई थी, अगरबत्तियां और मोमबत्तियां, और ये तावीज़ और ये सर, मतलब पूरा उसका ना एक स्केच बना हुआ था। सही, तो ऐसे लग रहा था जैसे उसको ना कोई, आप कह सकते हो कि कोई सज़ा दी जा रही थी उस बच्चे को, तकलीफ़ पहुंचाने के लिए जो चीज़ें यूज़ की गई थी ना, बकायदा ब्लड भी था, मुझे अब भी याद है, नीचे ब्लड पड़ा हुआ था और कपड़ों के ऊपर भी ब्लड लगा था। तो ये अच्छा, ये भी काफ़ी हैरान कन हमारे साथ काम हुआ था। सर में दर्द होना शुरू हो गया है इस रूम में आकर। इस रूम के अंदर ना एक घुटन सी है अजीब सा। अच्छा, इसको चांद भाई हमने नहीं कुछ किया, हम ऐसे खड़े थे जब हम इस रूम के अंदर आए, कुछ मैंने जो है वो दुआएं, और इसके अंदर तो नहीं कोई चीज़। पूरा ये सब तो इधर बहुत आगे वजनी होते हैं, शोपर हैं। चीज़ ना अब गुस्सा कर रही है हमारी जो है वो ना, यहाँ पर आने का, इस रूम में जो है हम आए तब से लग रहा है मुझे जैसे वो चीज़ फुल गुस्से में हो। यार, ये क्या आप कैमरे के सामने आ सकते हैं बिना नुकसान पहुंचाए? ये देखे चांद भाई, इधर आए, एक काम की चीज बताओ। ये दरख्त जो कटे पड़े हैं इनके ऊपर तो नहीं ऐसा कोई? ये भी हो सकता है, यहाँ पर पूरी की पूरी लोकेशन के अंदर ही ऐसे मामले आते हैं। ये क्या कह मैं रहे थे आपको आप? बताने लगा था, ये देखें, ये कील मुझे आज भी याद है, एक एक चीज मुझे याद है, मैं इस लोकेशन को नहीं भूल सकता। ये जो है ना कील, इन्हीं कीलों के ऊपर पढ़ाई करके और यहाँ पर लगाए गए थे कपड़ों के साथ, और इनको हमने नहीं कुछ किया, यहाँ पर एक बहुत बड़ी छड़ी पड़ी थी, खुद ही आकर लगी है, बकायदा रिकॉर्ड भी हुई है, जैसे किसी मखलूक ने, ये पता नहीं समय से बाहर था। एक तो होता है ना कि हम इसको उतारें और वो मखलूक जो है
इसकी हिफाजत करे, हमें उतारने ना दे। तो ये उल्टा हुआ कि एक छड़ी है ये ऊपर से वो लगी है, उसने इसको उतार दिया। तो मैंने क्या किया, मेरा आप जो है वो दिमाग चेक करें कि मेरे दिमाग में पता नहीं क्या चल रहा था, क्योंकि आपको ये भी पता होगा कि ये अमूमन ये चीज़ें हमारे दिमाग के ऊपर ना जो है वो हावी हो जाती। यार रूम के अंदर भी पत्थर आ रहे हैं। आप क्या बता रहे थे? जैसे मैं बात कर रहा हूँ ना इस बारे में, तो जैसे ये चीज़ मेरी बातें ज्यादा सुन भड़क रही रही हो हो। और जो है उसे अच्छा ना लग रहा हो। मैं ये बात कर रहा था कि मैंने क्या किया कि हावी होगी मेरे दिमाग के ऊपर, मैंने इसको उल्टा जो है वो उतरे हुए कपड़ों को ना दोबारा मैंने लगा दिया अपनी जगह पर। उसके बाद जो मामलात ख़राब हुए बहुत ही ज़्यादा, जो है वो जान बचानी मुश्किल हो गई थी। ओए ओए यार मम्मी सारा लिपट गया। अब यहाँ पे मौजूद हो? कैमरे के सामने आ सकते हो? ना तो आप ही ले ना मैं ही लाऊं। तो ये आवाज बाही बाही मुझे लगता है बाही है कुछ चीज। मुझे तो यहां से आवाज आ रही, इस रूम में से तो नहीं आ रही थी ना? इस रूम में से तो नहीं आ रही? इसमें इसमें से हो सकता है जैसे हम बाहर आए हैं आवाज आना बंद हो गई है। दोबारा हमसे बात कर सकते हैं किसी आवाज की सूरत में सामने आकर? ओए 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 इधर 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 इधर, ये सामने सामने खड़ी है, सामने यार, ये सामने। किधर है सब भाई? ओए यार ये दरख्त लगा हुआ है, इसकी बैक साइड पर हो रही है। ओए यार इसकी इसका मतलब पहले भी जब मैंने बोला है ना कि यार ये क्या खड़ा है अचानक भाई आपके पीछे, तब भी वो मखलूक ही थी। जब मैंने गौर से देखा, हमने बोला ना कि यार ये तो दरख्त है, तब भी मुझे ये सिर्फ धुंध की वजह से ना वो चीज़ मुझे क्लियर नज़र नहीं आई, अब तो बिल्कुल क्लियर नज़र आई है इसके पीछे खड़ी हुई। किस तरह की थी यार आग? जैसे कोई आप कह सकते हो कि कोई कफन में नहीं लिपटी होती कोई चीज़ वाइट वाइट कलर वाइट की, थी ना हाँ बिल्कुल कफन यार, टाइप मुझे भी थी, वाइट में ही दिखी थी वो। उसके जैसे पीछे देखे कोई कहते हैं ना कि मुर्दा हो। यार इधर नहीं है सभी, ध्यान से यार, ये ऊपर ना वायर जो है गीली भी है और ऊपर से। यार चांद भाई ये किधर गई? यहाँ पर वो चीज़ खड़ी हुई, यहाँ जैसे वो हमें देख रही हो। और पहले जब चांद भाई मैंने आपको बोला ना कि आपके पीछे क्या है, एक तो मेरे लाइट पड़ रही थी और दूसरा ये पीछे दरख्त भी था, तो मैं ऐसे ही मुझे ना वो चीज़ झलक पड़ी जैसे वो देख रही हो। तो मैंने जब बोला आपको कि पीछे क्या है, शक के बिना ऊपर बोला,
तो पीछे था ये दरख्त, तो मैंने कहा आपने बोला कि भाई ये तो ये है, मैं चुप हो गया। अब तो बिल्कुल जो है वो सामने मुझे, यहाँ पर हो सकता है कि रिकॉर्ड भी हुई हो, क्योंकि जैसे ही लाइट उसके ऊपर गई है ना, वो चीज़ बिल्कुल जो है वो देखकर यहाँ पर जैसे कोई पीछे हो रही हो या इसके अंदर जज़्ब हो गई हो, क्योंकि अमूमन जो है ये चीज़ें इनके ऊपर ही रहती हैं, दरख्तों के ऊपर ही। पर जैसे जैसे भी आपका बताना ना, आपने उस चीज़ को वाइट कलर में देखा है, सेम मुझे भी वो वाइट में ही नज़र आई थी। यानी कि वो एक ही चीज़ है जो हमें बार बार मुख्तलिफ जगह पर नज़र आ रही है। और एक ज़्यादा भी एक नहीं है, आप देखो ये नहीं अभी ऐसा मैं भी, वो यही आपकी बात करने बात लगा था कि जैसे मुझे वो चीज़ नज़र आई है ना, फौरन अभी मेरी आंखों के सामने थी, पीछे से कोई एक्टिविटी होगी तब। मैं वही बात कर रहा हूँ कि बात करने का मकसद मेरा ये था, चीज़ें ज़्यादा हैं यहाँ पे, लेकिन एक चीज़ हमें अपना आप ज़ाहिर कर रही है, ऐसे ही जो है सामने खुद को हाँ, ज़ाहिर कर सामने रही है ना, हाँ वो एक ही वो शक्ल एक में ही आ रही चीज़ है। दिख रही है। और पर जो भी था ना, एकदम जो है वो दोबारा कह आ मैं बयान नहीं कर सकता कि दोबारा मैं देख रहा हूँ ना, तो मुझे वो चीज़ हर जगह नज़र आ रही है। अभी इधर देख रहा हूँ तो ऐसे वो ना शक्ल सी बन गई आंखों के सामने। हाँ वो स्केच ना आंखों के सामने से जाता नहीं है जल्दी। जैसे पूरी शक्ल नज़र आ रही हो और अजीब सी। अच्छा एक चीज़ चाहूँ, आपने नोट किया कि क्या कह रहे थे आप, क्या चीज़ नोट की है? यार जब ऐसे कोई आवाज़ आती है ना, तो एकदम से जो अंदर से हिल जाते हैं। मैं बात कर रहा था कि दिमाग से बात ही निकल गई है। इस दरवाजे को तो जो खोले। ऐसा खौफ होता है ना, तो बहुत क्या चीज़ है। ये तो जब हम पहले आए थे, सबसे पहले इसी डोर की आवाज़ आई थी, वही वाला रूम है ना, और इसी में मुझे लग रहा है वो ये दिखे वाला सामने शॉपर पड़े हुए, यही था वो रूम। हाँ यही वाला है, वो ये वो सामने सामने कपड़े पड़े पड़े हैं, हैं। उसके अंदर कुछ है। ऐसा कुछ नहीं है, पर हाँ ये ज़रूर है, खौफ सा आता है अंदर, बंदा जब जाता है ना एकदम से जो है वो चेंजिंग सी आ जाती है। अब बाहर और है, अंदर जाएंगे तो गर्मैश और स्मेल, बाहर आपको ठंड लगेगी, अंदर जाएंगे तो आपको ओए अभी ये यार ये क्या चीज़ है, इधर किस चीज की आवाज है? मुझे ऐसा कोई चीज़ ब्लास्ट हुई हो। हुई ना ऐसे ही। रूम में भी ओए सामने, ओए इस रूम के अंदर गई है कोई चीज, वही 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 व्हाइट कलर की, इसके अंदर गई है, इसके अंदर, इसके अंदर शाह भाई, इसके अंदर है वही मखलूक जो हमें नजर आई है, इसके अंदर है। आपने आंखों से देखा उसे कि मैंने अपनी आंखों से रिकॉर्ड देखा हुआ है, है? रिकॉर्डिंग का नहीं, कैमरा मेरा उस साइड को था दरवाजे की तरफ, तो एकदम से ना झलक सी पड़ी है मुझे। मैं ऐसे हम उसको बार बार जो है वो देख रहे थे जो मूव हो रहा था दरवाज़ा, ऐसे करूं ऐसे मैंने देखा है एकदम यहाँ से ऐसे अंदर दाखिल हो गई है, और वो थी हवा के अंदर। एक होता है ना चल के कुछ चीज़ आ रही हो,
तो इसके अंदर भी कोई चीज़ है, पर इसके अंदर मैंने क्लियर वो चीज़ जाती देखी। हो सकता है इसके अंदर जो है वो तो अभी भी हो। अंदर से देखे तो, लेकिन ध्यान से, मैं कैमरा यहीं रखा हुआ है। है कुछ? ना कुछ नहीं यार, यार मैंने खुद देखा है चांद भाई, यहाँ पर ना ऐसे वहाँ पर हम खड़े दरवाजे की तरफ देख रहे हैं, तो जैसे ही मैंने ना ऐसे कैमरा ऐसे था, ऐसे झलक सी पड़ी, मैंने ऐसे देखा है यहाँ से वो जो चीज़ है वो अंदर गई है। अस्तगफिरुल्लाह, इन पत्थरों से डर लग रहा है। ये क्या? ओए पढ़ना पढ़ना पढ़ना। रूम से बाहर, रूम से बाहर। हाथ जल गया है, इतना हीट हुआ है हाथ। रूम के अंदर है, हुआ क्या है? हाथ को क्या, वो इतना गर्म क्या चीज़ थी इधर, इस जगह पे क्या था यहाँ पे? ये पूरा हाथ आपका यार मुड़ा हुआ था, और बच गए हो। ऊपर ऊपर से दबाना थोड़ा सा, ऊपर से यहां से। ए ओए ये चीज खींची गई है कर दे इतनी वो जोर पर। से। मैंने बोला है ना कि वो चीज अंदर ही है, तो सिर्फ उस चीज ने अपने आप को, अपना वजूद जो है उसने गायब किया है, बाकी वो अंदर ही है। मेरा हाथ पकड़ा है उस चीज ने, ऐसे ही मैं बता रहा हूं, ऐसे मेरा हाथ पकड़ कर ऐसे उसने जो है बेंड कर पूरा दिया, ऐसे ही खींच कर ले गई अंदर। और ऊपर से वो ना हाथ मैंने जब देखा आपका, वो सिर्फ जैसे कुछ चीज़ गर्म हो ना, आपका जो कलाई है वो पूरी ऐसे हीटअप हुई हुई थी। चांद भाई ये ना थोड़ा सा मेरा बाजू उधर ही घुमाना, इसी डायरेक्शन में हाँ इधर ही, इधर ही थोड़ा सा घुमाना। पर बस यार, ऐसे जैसे जलती हुई आग के अंदर आपका हाथ नहीं चले जाता, जो मुझे वो चीज़ खींच कर ले गई, मेरा हाथ जलना शुरू हो गया है। जैसे वो चीज़ बहुत ही उस गर्म हो, उसके अंदर बहुत ही कह लें कि आग जल रही है उस चीज़ के अंदर। यार मुझे और नहीं जब पता, चांद भाई आपने दवाएं पड़ी, इसके अंदर है कुछ, अभी बाहर से कोई चीज़ नहीं लगी इस पे, तो अंदर से ऐसे ना कुछ, ऐसे कुछ चीज़ को तो खेलती है। आपने दुआएं जब पढ़ना शुरू की हैं, एक सुकून सा आया। जैसे ना पहले मुझे बहुत ज़्यादा दर्द हो रही थी, जैसे हाथ जल रहा हो, जैसे मैंने आपको बोला भी है कि दुआएं पढ़ें, तो आपने पढ़ी हैं, तो एकदम से उस चीज़ ने मुझे छोड़ा है। और देख ले ठीक है इतना। सही हूँ, पर जो है ना ठंड है चाहे, ये और कोई बात नहीं है, ये ठंड की वजह से ना जो है वो हमें महसूस नहीं हो रहा इतना। ये तो जब घर जाएंगे ना तब तो पता चलेगा। और ये पक्की बात है कि वो चीज़ इसके अंदर है।
ध्यान से देखें तो क्या है। उए, 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 असल चीज तो इधर है। उए। ये